तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का भूगोल पाठ 10 का है। कहानी है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार। क्या है? मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार। चित्र में जो देख रहे हैं इस इमारत का नाम क्या है? गोलघर। चित्र में जो देख रहे हैं उसका नाम क्या है? गोलघर। गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में। अब इधर है बिहार का मानचित्र। ये जो मानचित्र बना हुआ है चित्र 10.1 में कौन चीज कौन सा राज्य का है मानचित्र? बिहार राज्य का। मार्च को पटना के गांधी मैदान में काफ़ी चहल पहल थी। मार्च को पटना के गांधी मैदान में क्या थी? काफ़ी चहल पहल थी। चहल पहल मैंने जानते हैं आप चहल पहल कब रहते हैं? जब आप मैंने कुछ नया करने जाते हैं कुछ देखने जाते हैं तो पूरा खुशी में रहते हैं ना, वही खुशहाली था। ठीक, चहल पहल था। बिहार दिवस के मौके पर राज्य के सभी जिलों से स्कूली छात्र छात्राएं इकट्ठे हुए थे। क्या हुए थे? इकट्ठे हुए थे। इकट्ठा हुआ, इकट्ठा मैंने क्या होता है? एक जगह एकत्रित मैंने जमा हुए थे। ठीक, बिहार को जानिए इसी विषय पर बच्चों के बीच भाषण प्रतियोगिता आयोजित थी। बिहार को जानिए इसी के बीच भाषण प्रतियोगिता आयोजित थी। मंच पर सुंदर सा बैनर टंगा था। मंच पर क्या था टंगा हुआ? सुंदर सा बैनर टंगा हुआ था। मंच जानते हैं किसको कहता है? मंच स्टेज को कहते हैं। आप प्रोग्राम देखने जाते हैं ना, कहीं कहीं सत्संग होता है, यज्ञ होता है, तो वहाँ मंच बनता है, जो ऋषि मुनि सब बैठे रहते हैं, वहाँ बैठता है ना, उसको क्या कहते हैं? मंच कहते हैं उसको। तो बैनर था उस पर, उस बैनर में लिखा हुआ था, उस बैनर में लिखा था बिहार राज्य की कहानी स्कूली बच्चों की जुबानी। उस बैनर पर क्या लिखा था? बिहार राज्य की कहानी स्कूली बच्चों की जुबानी। इधर ध्यान दीजिए सब। मंच के सामने अनेक कुर्सियां कतारबद्ध थी। मंच के सामने क्या थी? अनेक कुर्सियां कतारबद्ध, मैंने एक लाइन से था, जिन पर अनेक गणमान्य व्यक्ति बैठे थे। जिन पर अनेक गणमान्य व्यक्ति बैठे थे। रंग बिरंगी झंडियां आसमान में लहरा रही थी, तभी उद्घोषक की आवाज गूंजी, बिहार दिवस के मौके पर आप सभी को स्वागत है। उद्घोषक किसको कहते हैं? उद्घोषक जो अनाउंस करता है स्टेज पर, करता है ना, उसको उद्घोषक कहते हैं। बिहार दिवस के मौके पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने राज्य के स्कूली बच्चों के माध्यम से अपने प्रांत की भौगोलिक सामाजिक आर्थिक स्थिति को जानेंगे। कहता आज हम अपने स्कूली बच्चों के माध्यम से प्रांत के भौगोलिक सामाजिक आर्थिक स्थिति को जानेंगे। हम आशा करते हैं यहाँ के बच्चे जनजीवन खान पान रोजी रोजगार एवं पर्यावरण से अपने जीवन का सामंजस्य बैठाने के विषय में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। रोजी रोजगार खान पान रहन सहन के बारे में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। कौन जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं? स्कूली बच्चों के माध्यम से जानेंगे। हमारे पास ऐसे बच्चों की सूची है, मैं इन बच्चों को बारी बारी से मंच पर बुलाऊंगा और आग्रह करूंगा कि दिए गए विषय पर ये अपनी बातें रखें। इससे पहले कि मैं नाम पुकारूं, आप सभी दर्शक जोरदार तालियों से प्रतियोगिता का प्रतिभागियों का स्वागत कीजिएगा। उद्घोषक क्या कर रहा है? आप सब जितने भी बैठे हैं सब तालियों से स्वागत कीजिएगा। किसको? प्रतिभागियों को। प्रतिभागी किसको कहते हैं? प्रतिभागी बोला जाता है जो बच्चा भाषण देता है, गाना गाता है, उसको क्या बोला जाता है? प्रतिभागी, उद्घोषक। अब चित्र 10.2 में है हल चलाता किसान। चित्र में जो देख रहे हैं ये कौन है? हल जो चला रहे हैं ये किसान है। की वाणी ने दर्शकों के उमंग उत्साह भर दिया। दर्शकों के उमंग और उत्साह भर दिया। जोरदार तालियों से मैदान गूंज उठा। जोरदार तालियों से मैदान क्या हुआ? गूंज उठा। उद्घोषक ने खुशी और उत्साह से आवाज लगाई, मैं सबसे पहले 7वीं कक्षा की छात्रा नीलम कुमारी को मंच पर बुलाता हूँ। उद्घोषक किसको बुलाए? आमंत्रित किसको किए? 7वीं कक्षा की नीलम कुमारी को मंच पर बुलाता हूँ और चाहूँगा कि बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे
मैं सापेक्ष बताएं, नीलम कुमारी से क्या वो आग्रह किए कि नीलम कुमारी मंच पर आए और बिहार के भौगोलिक स्थिति के बारे में सापेक्ष बताएं। ठीक, नीलम ने पूरी आत्मविश्वास से माइक पर कहना शुरू किया बिहार के बारे में। बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। बिहार राज्य कहाँ स्थित है? मध्य गंगा के मैदान में स्थित है, जिसके उत्तर में नेपाल हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रदेश के मैदान में गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। गंगा किधर बहती है? पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, जिसमें उत्तर से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा तथा दक्षिण से पुनपुन, सोन, फल्गु आदि नदियां आकर मिलती है। कौन कौन नदियां मिलती है? गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। उत्तर दक्षिण से पुनपुन, सोन, फल्गु आदि नदियां आकर मिलती है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 100 मीटर से कम। समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचाई से कम। जाड़े के दिनों में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री, लगभग 8 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 8 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्मी में लू चलती है। गर्मी में क्या चलता है? लू चलती है। तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। तो तापमान क्या होता है? 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। यहाँ पर वर्षा तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। यहाँ वर्षा किस चीज़ से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से, जो लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा करती है। अप्रैल मई के महीने में वर्षा की हल्की फुहारें पड़ती है। कौन महीने में हल्की फुहारें पड़ती है? अप्रैल मई के महीने में, जिसके कारण आम के फल तेजी से बढ़ने लगते हैं। अतः इसे मैंगो सावर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मैंगो सावर। कभी कभी आंधियां चलती है, जिसे आम के टिकोले पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। आम के टिकोले, समझ रहे हैं ना? आम का जो छोटा छोटा टिकोले होता है, वो आंधी के कारण नीचे गिर जाते हैं। इसे आम की फसल प्रभावित होती है। और इसे आम की फसल क्या होती है? प्रभावित होती है। उत्तर में हिमालय की तराइयों से हुई वर्षा का जल कुछ जिलों में बाढ़ ला लेता है। इसे जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है। इससे जनजीवन क्या होता है? काफ़ी प्रभावित होते हैं। जलवायु की दृष्टि से बिहार उपोषण कटिबंध प्रदेश में आता है। बिहार कौन कटिबंध में आता है? उपोषण कटिबंध प्रदेश में आता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सघन है। कैसे है? श्रोता ने नीलम की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। सब ने जोरदार तालियों से नीलम की बातों को स्वागत किया। तो कैसा लगा कहानी? क्लैप कर दीजिए।